शो गाइस, और आप यहाँ पर क्या करते हैं? प्रिडिक्शंस करते हैं, गेम्स खेलते हैं, जहाँ पर हम आपको मदद करते हैं कैश रिवॉर्ड्स जीतने में, टीम्स के बारे में ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं कि कैसे आप अपनी टीम जनरेट कर सकते हैं, कौन से प्लेयर को चूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पॉटी जैकपॉट शो पर। पांचवा दिन, पांचवा T20 का मैच जो हो रहा है अबू धाबी में बिटवीन कोलकाता एंड मुंबई। एंड ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई अपना पहला मैच खेल चुकी है और कोलकाता ने अभी स्टेडियम में अपना मैच खेलना है। सो आपको बता दूं, कोलकाता और मुंबई के बीच में पहले भी बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं एंड विन परसेंटेज रही है 19:6, यानी कि ज्यादातर मुंबई जीती है। लेकिन अब की बार मुंबई की जो परफॉर्मेंस रही है ना, उसे देखकर थोड़ा सा डाउट होता है कि अब की बार मुंबई कैसा खेलेगी अगेंस्ट कोलकाता। तो इससे पहले कि मैं आपको और कुछ भी बताऊं, सबसे पहले हम ग्राउंड रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं कि आज पिच कितना साथ देने वाली है प्लेयर्स का। शेख जायद स्टेडियम है जहां पर T20 का पहला मैच भी खेला गया था, विच वॉज बिटवीन चेन्नई एंड मुंबई, एंड वी ऑलरेडी नो कि चेन्नई ने वहां पर मुंबई को हरा दिया था। अगर मैं पिच की बात करूं तो ये बॉलिंग टीम को ज्यादा प्रेफर करती है, और जितनी भी टीम्स ने ये सिलेक्ट किया है कि अपने को बॉलिंग करनी है, उनकी ज्यादातर जीत हुई है। 45 मैचेस अभी तक यहाँ पर खेले गए हैं, जिसमें से 25 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिसने बॉलिंग को प्रेफर किया था। और साथ ही साथ बता दूं कि ये पिच साइज में थोड़ी सी छोटी है, सो बैट्समैन को ये एडवांटेज मिल जाता है कि वो शॉट्स पे शॉट्स लगा सकता है, चौके छक्के घुमा सकता है, लेकिन अगर सामने स्पिनर आ जाए तो बल्लेबाज की हवा थोड़ी सी टाइट हो सकती है। सो बात करते हैं हमारे की प्लेयर्स की, जिनके ऊपर हमारी नज़र रहने वाली है, और आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिडिक्शन की गेम के लिए भी। सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर्स की, तो हमारे पास है दिनेश कार्तिक, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इनके पास, और अब की बार इनकी कैप्टनसी के ऊपर भी हमारी नज़र रहने वाली है। और उसके बाद क्विंटन डी कॉक, काफ़ी संभल कर खेलते हैं ये और स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा बरकरार करके रखते हैं, तो आप इनको भी ले सकते हैं अपनी प्रिडिक्शन की गेम के लिए। अब बात करते हैं बॉलर्स की, बुमराह, इसको लेकर तो हम कर ही नहीं सकते हैं कि जिस तरीके से ये गेंदे फेंकते हैं सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं। और अब अगर हम बात करें ऑलराउंडर की, तो रसल है हमारे पास, केकेआर के बड़े फेवरेट हैं ये, क्योंकि एक बार जब कंपटीशन में उतर जाते हैं तो सामने वाले के पसीने छुड़वा कर ही मानते हैं। सो अब बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशंस की, मैं बताऊंगी आपको वो प्लेयर्स जो मैंने अपनी टीम में लिए हैं टू प्ले फैंटेसी क्रिकेट, इससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा और आप भी अपने प्लेयर्स उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बात करें अगर विकेट कीपिंग की और बैटिंग की, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, क्विंटन डी कॉक, जी हाँ, मुंबई की तरफ से ये खेलते हैं और बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बैटिंग भी करते हैं, ओपनिंग बैटिंग करते हैं रोहित शर्मा के साथ और मुंबई में एकदम धमाल सा मचा देते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक टिके रहते हैं और काफ़ी सावधानी से खेलते हैं, स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा बढ़िया है इनका, तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल प्लेयर हैं ये। अगर हम बात करें दिनेश कार्तिक की, तो कोलकाता की टीम से हैं ये और विकेट कीपिंग तो बढ़िया करते हैं, लेकिन T20 मैच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं ये, और अब की बार तो इनकी कैप्टेंसी भी थोड़ा स्कैनर में आई हुई है, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म इनको करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे ये आते हैं, तो जो डेथ ओवर्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं ये, तो देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करेंगे। सो बात करते हैं अब बैट्समैन की, और जो बैट्समैन मैंने अपने कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करे हैं वो शायद आपको भी पसंद आएंगे और आप भी उनको ज़रूर सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हैं यॉन मॉर्गन, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की ODI सीरीज़ में जो इन्होंने खेला था ना उनके अगेंस्ट, वो सबने देखा था, हालांकि कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन जो इन्होंने चौके छक्के लगाए थे वो काबिले तारीफ थी। और अब की बार तो ये असिस्ट भी करने वाले हैं दिनेश कार्तिक को, कि कैसे भाई स्टेडियम में आप जाकर के सब फिक्स करेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, तो वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा अब की बार। अगर मैं इनके मैचेस की बात करूं, तो 52 T20 मैचेस इन्होंने खेले थे लास्ट ईयर, जिसमें इनके रन थे 854 और स्ट्राइक रेट था 121.13, तो काफ़ी बढ़िया था ये सारा डेटा। अब देखते हैं अब की बार क्या होगा, लेकिन मेरी टीम में ये नंबर वन पोजीशन पर है। अब हम बात करें अगर शुभमन गिल की, तो लास्ट ईयर जो हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी थी कोलकाता के लिए, जो ये खेले थे भाई, क्या वाहवाही बटोरी थी इन्होंने, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये खेलते हैं, संभल के विकेट्स के बीच में भागना इनको आता है, रन बनाना इनको आता है, और अभी तक इन्होंने ज़्यादा मैचेस तो नहीं खेले हैं, सिर्फ 236 रन बनाए हैं 6 गेम्स में, और स्ट्राइक रेट इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है,
140.48। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा कि जब ये दो बैट्समैन मेरी टीम में होंगे तो मैं कितने ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करूँगी। सो अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। जहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात आती है वहाँ पर हम आंद्रे रसल को कैसे भूल सकते हैं। आफ्टर ऑल कोलकाता की हार्टबीट हैं ये और बढ़िया तरीके से खेलते हैं। अभी अगर मैं इनके पिछले T20 मैचेस के स्टैट्स आपको बताऊँ तो इन्होंने 510 रन बनाए थे पिछले साल के T20 मैचेस में और बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा था इनका, लेकिन CPL में थोड़ा सा गड़बड़ा गए जनाब। लेकिन वी हैव हाई होप्स कि अब की बार ये जो मैच होने वाला है इसमें ये बढ़िया तरीके से खेलेंगे, क्योंकि कोलकाता की टीम ने इंटरनेट पर एक वीडियो भी शेयर करा था जहां पर ये काफी बढ़िया तरीके से चौके छक्के लगा रहे थे। अब ऑलराउंडर की बात हो और उसमें हार्दिक पांड्या ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, मुझे मालूम है कि उनकी अभी इंजरी हुई है, सर्जरी हुई है, तो वो कैसे आ सकते हैं हमारी कॉम्बिनेशन में, बट स्टिल अब पहला मैच अगर हारे हैं तो आई एम डैम श्योर कि रन तो वो बनाएंगे ही और थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे कि किस तरीके से विकेट चटका सकते हैं। अगर खुद से नहीं तो बाकियों को तो गाइड कर ही सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव पोलार्ड। CPL में बहुत ही दमदार खेला इन्होंने और मुंबई का जब पहला मैच हुआ चेन्नई के साथ तो उसमें थोड़ी सी टाई टाई फिश हो गई, लेकिन इनके साथ भी मैं डैम श्योर हूँ कि जिस तरीके का इनका एक्सपीरियंस है और जितना अग्रेसिवली ये खेलते हैं, डेफिनेटली आज के मैच में ये हमें भी काफ़ी पॉइंट्स जिताएंगे और अपनी टीम को भी मैच जिता सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव बॉलर्स, और बॉलर्स में अब की बार दो मेन बॉलर्स जो मैंने सिलेक्ट करे हैं अपनी टीम के लिए, वो सबसे पहले हैं पैट क्यूमिंस। अब की बार जो ऑक्शन हुआ उसमें ये हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर रह चुके हैं, और इसी के साथ साथ आपको बता दूं इंग्लैंड की जो वाइट बॉल सीरीज थी उसमें बेशक ये थोड़े से इनकंसिस्टेंट दिखे, लेकिन ये प्लेयर बहुत बढ़िया है और जब खेलने पे आता है तो काफ़ी बढ़िया सपोर्ट देता है टीम को, इस बात में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो बॉलर मैंने लिया है उसे भी लेकर के कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो है हमारे पास जसप्रीत बुमराह। भाई कोई भी बॉल डालनी हो, कभी भी डालनी हो, विकेट तो ये चटका कर देते ही हैं, और साथ ही साथ जो इनकी स्लिंगिंग बॉल्स जाती हैं वो सामने वाला बैट्समैन पकड़ नहीं पाता है कि अभी मैं इस पर कैसा शॉट मारूं। और क्रिकेट फेटर्निटी ने भी काफ़ी बार इनको प्रेस किया है, एंड वी ऑल नो कि जब बुमराह आएगा तो विकेट तो चटका कर लेकर जाएगा। तो गाइज ये तो मैंने आपको अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करी हैं अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो कौन से प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन से प्लेयर को अवॉइड कर सकते हैं। सो आई होप आप भी फैंटेसी क्रिकेट खेलेंगे, टीम्स बनाएंगे और जीतेंगे भर भर के कॉइन्स। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी प्रिडिक्शन की गेम भी चालू होती है लाइव मैच के दौरान, तो आप बहुत सी आसान से सवालों के आसान से जवाब दे सकते हैं, और अगर आपके जवाब हुए सही तो आपको मिलेंगे कॉइन्स जिनको आप रिडीम करवा सकते हैं मर्चेंडाइज में और जीत सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो ये काम करना आप शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिए spottyjackpot.com पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मैच पर।